हेलो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सुबह के टाइम जब सूर्य उगता है और शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है तो वह हमें लाल कलर का क्यों दिखाई देता है। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए, जब सूर्य उगता है और जब सूर्य अस्त होता है तब यह कहा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण ऐसा होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सूर्य की पृथ्वी से दूरी जो होती है वो निश्चित होती है, वह दूरी बढ़ती घटती नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जो हमारा स्थान होता है वह सूर्य से आने वाली प्रकाश के किरणों के लिए मार्ग बढ़ जाता है। यानी सूर्य से जो प्रकाशित किरणें हमारे स्थान पर आ रही हैं उनसे दूरी बढ़ जाने के कारण ऐसा होता है। और जो आपकी सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वह सात रंगों से मिलकर बनी होती हैं, जिसने बैजनी हापी नाला, यानी बैगनी, जामुनी, नीला, नारंगी, हरा, पीला और लाल, ये कलर उसमें उपस्थित होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब शाम के समय या सुबह के समय जब सूर्य के प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो मार्ग में उपस्थित यानी जो वायुमंडल है उसमें धूल के कण, हवा के कण आदि जो कण होते हैं वह इन प्रकाश की किरणों को विभक्त कर देते हैं, इनके अलग अलग रंगों में विभक्त कर देते हैं, जिसके कारण जो है नीला कलर कम धूल के कणों में अवशोषित हो जाता है, इसलिए हमें बादल नीला दिखाई देता है। उसके बाद जो बाकी बची किरणें होती हैं वो मार्ग में आते आते विचलित हो जाते हैं और सिर्फ हमें लाल, पीला और नारंगी कलर ही मिक्स रूप में दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें सुबह के टाइम सूर्य लाल कलर में और शाम के भी टाइम में सूर्य लाल कलर में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, यही कारण है जिसकी वजह से हमें सूर्य सुबह और शाम के टाइम में लाल कलर का दिखाई देता है। और पृथ्वी से सूर्य की दूरी बढ़ जाना या घट जाना यह घटना जो है इस पर डिपेंड नहीं करती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दूसरे टॉपिक में मिलूंगा। थैंक यू।